જય શ્રી કૃષ્ણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આપણા પાઠ 3 જરા મસ્તી રહીએ, યાની કે ચુટકુલે. ચુટકુલો મેં હમ અપને ઇસ ચેપ્ટર મેં આગે બઢે તો ઉસમેં પહેલા હે મકાન માલિક ઓર કિરાયેદાર કે બારે મેં. જબ કોઈ મકાન માલિક અપના મકાન દુકાન કુછ ભી હો વો કિરાયે પર દેતા હે, અગર હમે કોઈ चीज है जो देता है वो ऐसे सहजता से बोलता है कि इसे अपना ही समझो. तो इस मकान मालिक और इस किरायेदार में इस शब्द का कैसे उपयोग होता है यह हमें देखे. तो मकान मालिक किरायेदार से बोलता है कि आप हमें किराया कब दोगे. तो मकान मालिक को वो किरायेदार क्या उत्तर देता है कि आपने तो कहा था इसे अपना ही कर समझो, यानी कि किराया देना नहीं पड़ता, हम अपने घर में किराया नहीं देते. अब दूसरा है सोनू. सोनू नामक लड़का है जो अपने घर की दीवार में कील ठोक रहा था. अब वो कील ठोक रहा था उसी समय एक आदमी ने उसे कहा कि यार अपनी खोपड़ी का तो इस्तेमाल कर लिया करो. तो सोनू ऐसा समझा कि कील ठोकने के लिए थोड़े की नहीं अपने सिर की यानी कि अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए. तो उसने दीवार पर अपनी खोपड़ी का ठोकना उचित समझा. तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि तुम्हें यहाँ पे सिर पे चोट कैसे लगी. तो ये सोनू बोलता है कि मैंने अपना सिर ठोक लिया. अब ये एक छोटा बच्चा है, वो अपने पापा को सुबह उठ के बोलता है कि कल मैंने पूरी रात पटाई की. पापा कुछ नहीं कहते, सिर्फ इतना बोलते कि रात को 11 बजे तो बिजली चली गई थी. तो बच्चा बोलता है कि मैंने पूरी रात इतनी पटाई की कि मुझे यह भी पता नहीं चला कि बिजली चली गई थी. आप लोगों के जैसा ही ये छोटा बच्चा है जो अपने पापा को भी जैसे आप लोग बनाते हैं उल्लू बना रहा है. अब अगर आप अपने ब्लैंकेट को यूं खींच के सोए तो आपको कैसे पता चलता है कि बिजली है कि गई, उसी बात का इसमें उल्लेख हुआ है. अब एक भाई है, एक अंकल है, वो एक लड़के से बात कर रहे हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं तो उसमें से सुनाई नहीं दिया. तो अंकल बोल रहे हैं कि जरा ऊंचा बोलो. तो उस लड़के ने एक स्टूल लिया, उसके ऊपर एक स्टूल लिया और उसके ऊपर एक स्टूल लिया. अब वो अंकल को बोल रहा है इससे ऊंचा मैं नहीं जा सकता. क्यों? क्योंकि ऊपर छत और फैन आ गया है जिसके साथ वो टकरा जाएगा. अब उसके आगे एक लड़का है, उसके पापा उसे बोलते हैं कि अगर आप लोगों का रिजल्ट आता है तो आपके पापा मम्मी जो भी है वो आपको जैसे थोड़ा बहुत रिजल्ट देख के बोलते हैं ना कि आपका यह सब्जेक्ट क्यों डल है, इसमें क्यों तुझे कम मार्क्स मिले. तो ये उसी तरह ये लड़का भी अपने पापा को अपनी तरफ से सफाई देते हुए बोलता है उसमें इतिहास में जो भी क्वेश्चन पूछे थे वो मेरे जन्म के पहले से ही थे तो मुझे नहीं है. एक भाई है, वो एक आदमी दूसरे आदमी के साथ बातें करते हुए दिखाई दे रहा है और उस आदमी को साथ में देखकर पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो. तो वो आदमी कहता है मैं डाक खाने जा रहा हूँ. देखो डाक खाना, डाक खाना यानी कि डाक यानी कि पत्र और खाना यानी कि खाना. पर इन दोनों को साथ में आप देखिए, डाक खाना मतलब हमारे गुजराती में जो बोलते हैं पोस्ट ऑफिस, क्या जाओ छो तो के पोस्ट ऑफिस, तो आ वस्तु अलग थी गई. पर डाक खाना यानी कि जो पत्र है उसे खाने के लिए, कागज पत्र है उसे खाने के लिए.